गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हमला करने के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी इस समय पुलिस के हिरासत में है। यूपी एटीएस उससे लगातार पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ में उसने कई खुलासे किए हैं। मुर्तजा से जुड़े कनेक्शन खंगालने के लिए यूपी एटीएस की टीम इस समय मुंबई पहुंच चुकी है। वह मुर्तजा से पूछताछ और पड़ताल में जांच एजेंसियों को ये पता चला है कि वो आईएसआईएस से जुड़े वीडियो लगातार देख रहा था। इसके अलावा कट्टरपंथी मौलाना जाकिर नाइक के भड़काऊ भाषण भी देखता था। सुरक्षा बलों ने पूछताछ में पता लगाया है कि इंटरनेट पर जिहादी वीडियो सर्च करने के दौरान वह कट्टरपंथियों के संपर्क में आया था। दरअसल उसने जिहादी वीडियो सर्च करने के बाद उसमें कमेंट भी किए थे, जिसके जरिए वह कट्टरपंथी आतंकियों के समर्थन में आया था। कट्टरपंथियों ने मुर्तजा को जिहादी बनाने के लिए बेहतर शातिराना तरीका अपनाने को कहा था। इसके अलावा जांच में पता चला है कि मुर्तजा नेपाल जाते वक्त बॉर्डर इलाके में मौजूद मदरसों में भी गया था, इसलिए बॉर्डर एरिया के सभी मदरसों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं अगर सूत्रों की माने तो उसकी इन गतिविधियों की सुगबुगाहट सुरक्षा एजेंसियों को मिल चुकी थी, इसी के चलते उसे रडार पर रखा गया था। वहीं गोरखनाथ मंदिर में हमले के मामले में जांच एजेंसियां अब आरोपी मुर्तजा की पत्नी की तलाश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक पत्नी से मिलने वाली जानकारी इस मामले में काफी अहम हो सकती है। वहीं यह माना जा रहा है कि वह इस समय मुंबई में है, इसलिए मुंबई पुलिस कमिश्नर से भी गोरखपुर परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक से बात की जा रही है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।